हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है पायलट। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है चार्ल्स, जो कि एक रशियन पायलट है। वो इस समय छुट्टी पर है, लेकिन जब वो घर जा रहा होता है तो उसी समय उसे क्लोआ नाम की लड़की दिखती है, जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे थे। अब वो उस लड़की को उनसे छुड़वाता, लेकिन आखिर में वो उसके खाने के सामान को लेकर वहाँ से भाग जाते, जिसमें वो कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ चार्ल्स को उस लड़की से कुछ अलग सा लगाव हो गया था, और उसे इस बात की जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर ये लड़की उसके लिए कितना बड़ा किरदार निभाएगी। सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न फ्रंट पर, और समय चल रहा है 1941 का, जहां पर हमें पता चलता है कि जर्मन टैंक अब उनकी सीमा के अंदर आ रहे हैं, और उन्हें रोकने के लिए चार्ल्स को भेजा गया है। अब वो अपने प्लेन के साथ उन्हें बड़ी आसानी से तबाह कर देता है, लेकिन जो टैंक्स बच जाते हैं वो अब उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन अंत में चार्ल्स उन्हें भी खत्म कर देता है। तो उसके लिए अब मुसीबत बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उनके पीछे जर्मन प्लेन भी पड़ चुके हैं, तो उन्हें अब फॉरन बेस तक पहुंचना होगा। लेकिन इसी चक्कर में उनका दूसरा प्लेन क्रैश हो जाता है, और जो दूसरा प्लेन था उसमें चार्ल्स और उसका साथी जॉन बैठे हुए थे। उनकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, किसी भी समय वो क्रैश हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उनका प्लेन का ऑयल टैंक में छेद हो जाता है, जिससे कि ऑयल अब तेजी से खत्म होता जा रहा था। चार्ल्स कहता है कि अब हमें कहीं भी क्रैश लैंडिंग करनी होगी, वरना हम मारे जाएंगे। तो वो दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन नीचे खड़े जर्मन सैनिक को पता चल जाता है कि ये लोग क्रैश करने वाले हैं, इसलिए वो अपने लोगों को साथ उनका पीछा करने लगते हैं ताकि वो उन्हें पकड़कर बंदी बना सके। वहीं दूसरी ओर चार्ल्स एक सही जगह देखकर अपने प्लेन को लैंड करवा देता है, जिसमें उन्हें कोई चोट नहीं आती, लेकिन अब इनके पीछे जर्मन पड़ चुके हैं। वो इन दोनों को ढूंढ रहे थे, और अगर ये कहीं मिल गए तो वो इन्हें मार डालेंगे, लेकिन तभी जर्मन इन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। लेकिन चार्ल्स ने प्लेन के आसपास स्मोक फैला दिया था, जिससे कि जर्मन उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन तभी अचानक से एक धमाका होता है, जिससे कि चार्ल्स बेहोश हो जाता है। तब जॉन उसे अपने कंधे पर बैठा कर वहां से भागना शुरू करता है, और जंगल के बीच में आ जाता है, जहां उसे एक नदी मिलती है, जिसके किनारे एक बर्फ के टुकड़े पर वो चार्ल्स को लेटा देता है और उसे नदी में बहा देता है, और खुद जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उसे मार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर हम चार्ल्स को देखते हैं, जो अभी भी पानी में तैरे जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे जर्मन देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू करते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो उठ जाता है और खुद की जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तब तक एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिससे कि अब उसका चल पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन उसने फिर भी जैसे तैसे खुद की जान बचाकर एक जगह जाकर छुप जाता है, और वहीं पर आग जलाता है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा, और ऊपर से वो भाग भी नहीं सकता क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा, और ऊपर से वो भीगा हुआ है। अगर उसे गर्माहट नहीं मिली तो वो ठंड से ही मारा जाएगा, इसलिए वो पूरी रात वहीं गुजारता है, क्योंकि यहाँ पे वो सेफ भी है। तभी उसे क्लोआ याद आ जाती है, जिसे उसे अपना खाना दिया था और खुद के राशन के टिकट भी दिए थे, क्योंकि उसके खाने को उन लड़कों ने चुरा लिया था। अब चार्ल्स के लिए क्लोआ का महत्व बहुत ही ज्यादा था, और यही वजह है कि वो ऐसे समय में भी उसे याद कर रहा है। अब वो रात गुजारने के बाद अगले दिन फिर से अपने सफर शुरू करता है, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उसे अपने लोगों के पास पहुंचना है, या फिर किसी रशियन के पास जो उसकी मदद कर सके, वरना जर्मन उसे ढूंढ लेंगे, और इसलिए वो पूरे रास्ते बस चलता ही रहता है। हालांकि उसे चलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्फ बहुत ही ज्यादा मोटी है। रास्ते में उसे कुछ पेड़ के बीज भी मिलते हैं, जिन्हें वो खा लेता है, क्योंकि पेट तो भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद वो उस रात फिर से आग जलाता है और वहीं ठहरता है, लेकिन तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। एक तो उसके बहुत ही करीब आ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो बंदूक है, जिसका इस्तेमाल करके वो उन्हें भगा देता है और फिर सो जाता है। लेकिन पूरी रात वो डर में गुजारता है जर्मन्स और भेड़िए के लिए। अगली सुबह वो फिर से चलने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन वो भेड़िए ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो अभी भी उसके पीछे भाग रहे थे, और यहाँ चार्ल्स भी भागना शुरू करता है, लेकिन वो ज्यादा तेज भाग नहीं पाता, जैसे कि हम जानते हैं कि उसके पैरों में गोली लगी है। लेकिन फिर भी वो भागते भागते ऐसी जगह पहुंच जाता है, जहां पर कुछ ही दूरी पर जर्मन्स का बेस था, यानी कि खतरा यहाँ भी मौजूद है। लेकिन तभी वो देखता है कि आसमान से रशियन प्लेन उन पर हमला कर रहे हैं, और इनकी आवाज सुनकर वो भेड़िए भाग जाते हैं। अब रशियंस उन जर्मन्स को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से वो अब सेफ था, लेकिन कब तक ये हमें नहीं पता। अब वो वहीं बैठा रहता है, क्योंकि आगे चलने की उसकी हिम्मत अब हो नहीं रही है, उसके पैर में काफी दर्द भी हो रहा है। उधर जर्मन्स ने अभी भी चार्ल्स को ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ी है, वो बार बार हर जगह उसी को ढूंढ रहे हैं। इधर चार्ल्स क्लोव के साथ बिताए हुए दिन याद करता है, क्योंकि उसे याद करके उसे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अब हम फिर से पास में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उस दिन के बाद ये दोनों आए दिन बातें करना शुरू कर देते हैं। तब क्लोवा बताती है कि वो एक सिंगर है और वो कई जगहों पर शोज भी करती है, और तभी वो फिर से हकीकत में आ जाता है, क्योंकि अब उसे भूख लगना शुरू हो गई थी, इसलिए वो पास के एक नदी के पास जाता है, जहां पर उसे एक जमी हुई मछली दिखाई देती है।
वो उसे फौरन उठाकर ऐसे ही कच्चा खा लेता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन, कोई भी चारा नहीं है। अभी थोड़ी सी ताकत आने के बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन चलते चलते अब रात हो जाती है। वो अपने पैर को देखता है जो कि अब पूरी तरीके से सड़ चुका था, बहुत ही सूज भी गया था, यानी कि अब वो और दूर नहीं चल सकता। लेकिन उसे ये करना ही होगा अगर अपनी जान बचानी है, इसलिए अगले दिन बिना कुछ सोचे वो फिर से चलना शुरू करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बार फिर आकर मौत खड़ी हो गई है, और वो थी भेड़ियों का झुंड। इसे दूर भागने के लिए उसके पास अब ताकत नहीं बची है, इसलिए वो रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन अब उसकी मौत नजदीक आती जा रही थी, और तभी हम देखते हैं कि वो एक गड्ढे में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका हाथ में एक लकड़ी घुस जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उसके लिए अच्छा हुआ था, उसकी जान तो बच गई थी, क्योंकि वो भेड़िए उस गड्ढे में नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उसे थोड़ी राहत मिल जाती है। अब वो वहीं आग भी जलाता है, क्योंकि उसे अब निमोनिया हो चुका था। ऊपर से उसके पैर की हालत अब इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उसे बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो लेटा रहता है, और कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है। और तब उसे एक बार फिर से क्लोआ के साथ बिताए हुए आखिरी दिन याद आते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, उसने क्लोआ से वादा किया था कि वो उसे वापस आकर शादी कर लेगा, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे हालातों में फंस जाएगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक भेड़िया ऊपर से उस पर झपट्टा मार देता है और उसे खाने लगता है। अब उसके पास उसकी बंदूक भी नहीं थी, जिस वजह से कुछ नुकीले हथियार को वो ढूंढने लगता है। तब उसे वहां वही लकड़ी मिलती है, और वो उस लकड़ी को उसमें घुसा देता है, जिससे कि वो खुद की जान बचा पाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लोकल आदमी अपने टांगे पर एक जानवर को रखकर ले जा रहा है, लेकिन उसके नीचे हम चार्ल्स को भी देखते हैं, यानी कि इस आदमी ने उसे जंगल में देख लिया था और उसे बचाकर यहाँ लाया। तभी वहां कुछ जर्मन्स आते हैं और उस लोकल आदमी से सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते और उसे जाने देते हैं। देन वो आदमी चार्ल्स को अपने घर ले जाता है, जहां उसे अपने बेसमेंट में छुपाता है। हालांकि वो आदमी था तो जर्मन्स, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज अभी भी जिंदा थी, जिसके लिए उसे चार्ल्स को बचाया था। वो उसका इलाज करता और उसे कुछ खाने को भी देता है, लेकिन उसी रात जर्मन्स फिर से आते हैं, क्योंकि उन्हें उस आदमी से कुछ काम था। असल में वो आदमी एक लोहार होता है और उसे हथियारों को ठीक करना आता था। वो यही ठीक करवाने के लिए यहाँ पर आए थे, और तभी उन्हें उस पर शक हो जाता है। अब वो घर को छानबीन करना शुरू करते हैं, और तभी नीचे बेसमेंट में चार्ल्स को खांसी आ जाती है, जिसकी आवाज उन्हें ऊपर सुनाई देती थी। लेकिन चार्ल्स के पास मौजूद जॉनी उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, ताकि वो कुछ आवाज ना करे। लेकिन तब तक वो जर्मन्स गोलियां चलाने लगते हैं, जो नीचे जॉनी को भी लग जाती है, लेकिन वो कुछ आवाज नहीं करता, जिस वजह से वो वहां से चले जाते हैं बिना उन्हें कुछ कहे। लेकिन कहीं ना कहीं जर्मन्स को पता चल चुका था कि कोई तो यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए वो जल्दी दोबारा आते हैं और अपने साथियों को लेकर इस बार उन्हें वो उस बेसमेंट में मिल जाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, क्योंकि उस लोकल आदमी को पता चल गया था कि वो वापस जरूर आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों के साथ उसे कहीं और शिफ्ट करने का फैसला कर लिया था। और इस समय वो वही कर रहे थे, दो लोग चार्ल्स को एक कार्ट पर खींचते हुए इतनी ठंड में भाग रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ जासूस से पता चलता है कि उसी परिवार के लोगों ने ही चार्ल्स को कहीं दूर भेजा है, और इसलिए वो जर्मन सोल्जर आदमी के पूरे परिवार को फांसी दे देते हैं और उसके घर को भी जला देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके दुश्मन का साथ दिया था। तो एक आदमी को बचाने के लिए इन्हें इतनी भारी कीमत झुकानी पड़ी। अब जर्मन कुछ मीटिंग के बाद डिसीजन लेते हैं कि वो लोग ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, इसलिए उन्हें कल सुबह से ढूंढा जाएगा। सुबह होते ही तीन जर्मन निकल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वहीं वो लोग अभी भी चार्ल्स को खींचते हुए आगे ले जा रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे अब जर्मन्स भी लग चुके हैं। कुछ समय के बाद वो जर्मन्स उन्हें देख लेते और उनके पैरों के निशान की वजह से उन्हें पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसके पैरों के निशान मिटने लगते हैं, और अब उन्हें ढूंढने की दिक्कत हो रही थी। इधर दूसरी तरफ अब उन्हें आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो चार्ल्स को वहीं छोड़कर आगे जाएंगे और फिर आगे का रास्ता देखकर वापस आएंगे। लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि अब जर्मन ज्यादा दूर तक नहीं है। वो थोड़ी देर में उसके पास आ जाते हैं और वहां उन्हें चार्ल्स लेटा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर चेक करते हैं कि वो जिंदा है या फिर मर गया, लेकिन तभी चार्ल्स अपनी बंदूक से उन्हें मार देता है। लेकिन तभी उसकी आवाज उन दोनों लड़कों को सुनाई देती है, जिससे कि वो भागते हुए उसके पास आते हैं। लेकिन वो जिंदा था, पर यहाँ उन दोनों लड़कों में आपस में ही लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि चार्ल्स की वजह से उनकी जान जोखिम में आ चुकी है, इसलिए एक लड़का उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है, और जो दूसरा होता है वो चार्ल्स को अभी भी घसीटते हुए आगे ले जा रहा था। लेकिन वहीं पहले वाले लड़के को जर्मन्स देख लेते हैं, और अब उसके साथ क्या करेंगे ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन वहां चार्ल्स अब धीरे धीरे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाला है, जो कि था रशियन बेस कैंप। अब वो उस वॉर जोन में पहुंच गया था, जहां पर दोनों देशों के बीच में आए दिन लड़ाइयां होती रहती है, इसलिए वो लड़का खुद ही लेट जाता और वैसे ही उसे घसीटते हुए आगे ले जा रहा था, और कुछ ही देर में वो उसके एरिया में जाकर उसे छोड़ देता और फिर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है, जिससे वो भी मारा जाता है। उसने पूरी जान लगा दी थी चार्ल्स को बचाने में, लेकिन वो खुद की जान बचा नहीं पाया। अब यहाँ जब चार्ल्स की आंख खुलती है, तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है।
जो कि रशियन के अंडर आता है, यानी कि उन तीनों लोगों ने अपनी जान गंवा कर चार्ल्स की जान बचाई थी। वो लोग कौन थे ये तो चार्ल्स को नहीं पता, लेकिन उसे इतना जरूर पता कि वो उसके लिए फरिश्ते से कम नहीं थे। पर यहाँ से अब चार्ल्स के लिए दूसरी लाइफ शुरू होती है, लेकिन उसे जीने के लिए उसे थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी। अब उसे गैंग्रीन हो चुका है, जिस वजह से उसके दोनों पैरों को काट दिया गया, और इस चीज को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बिना पैरों के वो कैसे जिएगा, यही सोचकर वो अंदर से खोखला होता जा रहा था। उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन यही हकीकत है, उसे अब इसी तरह से जीना होगा। वो कई बार क्लोव को लेटर भी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके मन में एक सवाल आता है कि आखिर वो उसका सामना कैसे करेगा। उसके दोनों पैर अब नहीं है, इसलिए वो लेटर को कभी भेजता ही नहीं है। उसे हमेशा यही डर रहता है कि क्लोव उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर हम क्लोव को देखते हैं और वो भी उसे लेटर भेजती है, लेकिन चार्ल्स उसका कोई जवाब नहीं देता। अब ऐसे ही ठंड का मौसम निकल जाता है और गर्मी आ जाती है। एक दिन हॉस्पिटल के बाहर एक कॉन्सर्ट होता है जिसमें क्लोव भी परफॉर्म करने वाली थी। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पे चार्ल्स एडमिट था, लेकिन अब उसकी हालत पहले से काफी ठीक हो चुकी है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके हॉस्पिटल में क्लोव आने वाली है। लेकिन जब बाहर ही एक एक करके सभी सिंगर के नाम लिए जा रहे थे, जिसमें से क्लोव का भी नाम लिया जाता है, और उसका नाम सुनकर चार्ल्स उठकर खड़ा हो जाता और पहली बार अपने उस नकली पैर को पहनकर चलने की कोशिश करता, लेकिन वो चल नहीं पाता और बार बार गिर जाता। उसकी मदद करने के लिए भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी लोग नीचे कॉन्सर्ट में थे, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे खिड़की तक पहुंच जाता है और सालों बाद क्लोव को देख पाता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता और ना ही उसे आवाज लगाता है। उसकी हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी थी, वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, अब चार्ल्स उन नकली पैरों के सहारे से चलने लग गया था। अब उसे यहाँ रहते हुए एक साल से ऊपर हो चुका और वो कई हद तक ठीक भी हो चुका था, इसलिए अब उसे छुट्टी मिल जाती है। तब वो एक पार्क में जाता है जहाँ पर उसकी नजर सामने खड़ी क्लोव पर पड़ती है। वो भी चार्ल्स को देख लेती है और उसके पास जाती है, लेकिन उस पर बहुत ही गुस्सा करती है, क्योंकि चार्ल्स ने उसका एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया था। उसे लग रहा था कि शायद वो उसे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन पास में ही बैठे तो डॉक्टर आपस में चार्ल्स के पैरों के बारे में बात करने लगते हैं, जिसे उसे पता चल जाता है कि असल में वो किस हालातों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है। अब ये जानकर वो उसकी सारी गलतियों को माफ कर देती है और दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। लेकिन अब ये दोनों एक साथ थे और चार्ल्स को यहाँ अपना प्यार मिल गया था, लेकिन चार्ल्स को अभी भी अपने पैशन को फॉलो करना है, उसे प्लेन उड़ाना है और अपने बदले को पूरा करना है, जिसके लिए वो अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे फ्लाई करने की परमिशन मांगता है। लेकिन जो कि वो इंजर्ड हो चुका है, इसलिए रूल के हिसाब से वो फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन चार्ल्स के पैर जरूर टूट चुके हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी है, उसका हौसला आज भी बुलंद है। अब यहाँ उसे अपने 100 दिनों का बदला लेना और वो सारी तकलीफें वो उन जर्मन्स को भी देना चाहता है जो उसे मिली है। उसके जज्बे को देखकर उसके जो सीनियर होते हैं वो भी चौंक जाते हैं और उसे परमिशन दे देते हैं। अब कुछ दिनों बाद उसे एक जर्मन ब्रिज को उड़ाने का मिशन दिया जाता है, लेकिन बीच में उसका सामना जर्मन प्लेन से हो जाता है। अब दोनों में काफी देर तक घमासान युद्ध होता है, जिसमें चार्ल्स के पीछे बैठा उसका साथी बताता है कि हमारी गोलियां अब खत्म हो गई, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो अपना मिशन पूरा करे बिना तो यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए वो प्लेन को काफी नीचे ले जाता है और उस ब्रिज के काफी क्लोज आ जाता है। लेकिन उसी समय वो स्मोक को ऑन कर देता है, जिससे कि उसके पीछे वाले जर्मन प्लेन को कुछ दिखाई नहीं देता और वो जर्मन प्लेन सीधा जाकर ब्रिज से टकरा जाते और कुछ इस तरह से वो अपने मिशन को पूरा करता है। अब बेस कैंप लौटने पर जब चार्ल्स प्लेन से उतर रहा होता है तो उसके पैर डगमगाने लगते हैं, वो गिर जाता है, जिसे कुछ लोगों को लगता है कि शायद उसने शराब पी रखी है। लेकिन तभी उसका साथी उन सभी को बताता है कि इसने जंग में अपने दोनों पैर खो दिए, लेकिन फिर भी अपने देश की सेवा कर रहा है। अब ये जानकर सभी सोल्जर उसे सल्यूट करते हैं, उसकी सलामी देते हैं। जो चार्ल्स ने किया है वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। अब आखिर में हम कुछ पायलट्स की रियल फोटोज को भी देखते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्योंकि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, वो ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। वेल, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, किस फिल्म का है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे लेटर में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।